इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर ड्रेसिंग किसे कहते हैं, पावर ड्रेसिंग के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं और पावर ड्रेसिंग के डिफरेंट एसेंशियल्स कौन से होते हैं। पहला पॉइंट कि पावर ड्रेसिंग किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा लिबास जिसे पहन के यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू लुक प्रोफेशनल, यू लुक कॉम्पिटेंट एंड स्मार्ट, यू लुक मोर फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल एंड यू फील हाई अथॉरिटी, तो उसको हम कहेंगे कि आप में पावर ड्रेसिंग की हुई है। When it comes about different forms of power dressing, तो इसके different forms को हम one by one discuss करेंगे। सबसे पहले इसकी form है जी suiting। अगर आप एक high profile meeting attend कर रहे हैं, अगर आप एक upscale level job interview के लिए जा रहे हैं, तो mostly आप suiting का चुनाव करते हैं। जब आप suiting करते हैं तो suiting में first of all तो आपने पेंट कोट के कलर्स की सिलेक्शन करनी होती है। इसमें जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंड वेल एक्सेप्टेड कलर्स हैं वो डार्क ब्लू है, जिसे हम डार्क नेवी कलर भी कहते हैं, ब्लैक है और ग्रे है, और फिर ग्रे में आगे तीन शेड्स हैं, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे एंड लाइट ग्रे। फिर ऑब्वियसली सूटिंग के डिफरेंट असेंशल्स हैं, आप टाई यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल टाइज में पोल्का डॉट, जियोमेट्रिक एंड रेप टाई, इन थ्री फॉर्म्स में से आपने किसी टाई को चूज़ करना होता है। फिर आपकी प्रोफेशनल शर्ट आ जाती है और शर्ट्स में जो बेस्ट कलर है वो वाइट कलर है। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल शूज़ पहनते हैं और प्रोफेशनल शूज़ में मोस्टली जो ऑक्सफोर्ड शूज़ हैं वो हाईली रिकमेंडेड हैं। आपके जो शूज़ हैं वो आपके बेल्ट के साथ मैच होने चाहिए, आई मीन के जो शूज़ कलर है वो बेल्ट कलर के साथ सिंक्रोनाइज करें। फिर इसमें अगर एसेंशियल्स की बात की जाए, एसेसरीज की बात की जाए, तो आपकी रिस्ट वॉच है, आपके कफ रिंग्स हैं, आप पॉकेट्स के कौन सा यूज़ करते हैं, सो ये सारे के सारे सूटिंग के डिफरेंट एसेंशियल्स और एसेसरीज हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ पावर ड्रेसिंग इज़ नेशनल ड्रेस कोड, जो शलवार कमीज है, और शलवार कमीज में जब कलर्स की बात आती है तो आप ब्लैक कलर पहनते हैं। ब्लैक कलर गिव्स यू अ वेरी डोमिनेंट लुक। ब्लैक कलर जो है इसका जो सबलिमिनल मैसेज है वो ये अथॉरिटी का इजहार करता है, ये डोमिनेंस की अलामत है। आप वाइट कलर पहन सकते हैं, आप शलवार कमीज में ऑफ वाइट कलर पहन सकते हैं, आप ग्रे की तीनों शेड्स पहन सकते हैं, आप डार्क नेवी कलर पहन सकते हैं, डार्क ब्लू कलर पहन सकते हैं। ये सारे के सारे कलर्स पावर ड्रेसिंग का सिंबल है। लेकिन इन कलर्स के अलावा अगर आप कोई भी हरा, नीला, पीला कलर पहनते हैं तो वो पावर ड्रेसिंग की अलामत नहीं है। आप जब शलवार कमीज का चुनाव कर रहे हों तो आप इन्हीं कलर्स की सिलेक्शन करें। इसी तरह जब आप शलवार कमीज पहनते हैं और आप एक फॉर्मल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपकी शलवार कमीज उस वक्त पावर ड्रेसिंग का सिंबल बनेगी जब आप शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे, और वेस्ट कोट भी प्रोफेशनल वेस्ट कोट, कोई भी ऐसी वेस्ट कोट के जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो वो दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन का बायस बनेगी। लेकिन जो एक सादी वेस्ट कोट है आप उसका चुनाव करें, और वेस्ट कोट के कलर्स में भी आप वही कलर्स पहनेंगे जो आप सूटिंग में चूज करते हैं। आई मीन कि आप ब्लैक कलर की वेस्ट कोट पहन सकते हैं, आप डार्क नेवी कलर की वेस्ट कोट पहन सकते हैं, और इसी तरह ग्रे कलर में थ्री डिफरेंट शेड्स हैं, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे एंड लाइट ग्रे, तो आप इन्हीं कलर्स में रहते हुए शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहन सकते हैं। शलवार कमीज में अगर एसेंशियल्स की बात की जाए तो आप वेस्ट कोट के साथ कोई प्रोफेशनल अच्छा सा पॉकेट स्केयर लगा सकते हैं, और जब शूज़ की बात की जाएगी तो बेस्ट ये है कि अगर आप एक इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या आप अपस्केल लेवल, हाई प्रोफाइल लेवल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप शलवार कमीज के साथ भी शूज़ पहने। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कल्चरली कुछ लोग शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल पहनते हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उनकी जो प्रेजेंस देखी गई कि उन्होंने शलवार कमीज के साथ पेशावरी चप्पल पहनी, जो कि खान चप्पल के नाम से भी मशहूर है। तो आप अपने कल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर ड्रेसिंग इज के आप फॉर्मल पैंट के साथ ब्लेजर पहन सकते हैं। वेन इट कम्स अबाउट ब्लेजर, तो ब्लेजर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सूट जिसके जो बटन हैं वो आपको मेटल फॉर्म में नजर आए। अब जब आप कम्बिनेशन करते हैं फॉर्मल पैंट का ब्लेजर के साथ, तो जो बेस्ट कम्बिनेशन है, जो वर्ल्ड रिकग्नाइज एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो ये है कि आप डार्क नेवी
या डार्क ब्लू कलर का ब्लेज़र पहने जो कि बेस्ट ब्लेज़र है, और उसके साथ आप लाइट ग्रे की पैंट पहन सकते हैं एंड वाइस वर्सा। आई मीन कि आपका जो ब्लेज़र है वो ग्रे कलर में हो और आपकी जो पैंट है वो डार्क नेवी कलर की हो। द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर ड्रेसिंग इज़ के आप डबल ब्रेस्टेड सूट पहने। डबल ब्रेस्टेड सूट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वो लोग डबल ब्रेस्टेड सूट पहने के जो हेल्दी हैं। अगर एक बंदा बहुत स्लिम है और वो अगर डबल ब्रेस्टेड पहन रहा है तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा नहीं लगेगा। सो आप अगर डबल ब्रेस्टेड सूट पहन रहे हैं तो डबल